सीरियल इमली में नया प्रोमो जारी हुआ है जिसने सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचाया है। साथ में ही अब आप आपको बता दें कि शक्तिकाम और मिट्टी पहुंच गए हैं दिल्ली और इनकी फोटोज भी वायरल हो चुकी है और यहां पर इन दोनों की एंट्री कहानी को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। शक्तिकाम की एंट्री इस तरह से होगी कि यहाँ पर जहाँ दिखाया जाएगा कि मालिनी को आदित्य सारी सच्चाई बता रहा होगा और कह देगा कि वो इमली से प्यार करता है और इमली भी उसी से प्यार करती है और ये सच जानकर मालिनी के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर शक्तिकाम की एंट्री होती है जो कि आदित्य को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आता है और यहाँ पर उसे मारने की भी कोशिश करेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि मालिनी को यहाँ पर साथ देकर बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर मिट्टी का भी गुस्सा फूटेगा और इसके बाद में यहाँ पर सारे घर वाले भी लौट आएंगे। यहाँ पर इमली ही अब आदित्य की और मालिनी की जान बचाने वाली है तो साथ में देव, अनु और इन सब घर वालों की भी एंट्री होगी जिससे कि दो बड़े खुलासे होंगे। मिट्टी और देव का यहीं पर फिर से आमना सामना होगा और इमली को मिलेंगे उसके जवाब जिसका बड़ा हिंट हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला कि इमली अब अपनी माँ से वो सवाल पूछेगी कि आखिर उसके बाबा कौन है और कौन है उसके बाबा जिसके जो कि सामने नहीं आए हैं और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल का जवाब भी उसे मिलेगा। तो हो जाएगा एक दूसरे से आमना सामना और दो बड़े खुलासे शो में देखने को मिलेंगे जिसको पहले ही अनु को शक था कि इमली कहीं ना कहीं इमली का और देव का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। साथ में अब आदित्य और मालिनी और इमली के रिश्ते का सच भी सबके सामने आ ही जाएगा। तो कहानी अब यहाँ से एक नए मोड़ पर खड़ी होगी। दो बड़े खुलासे के साथ में सबकी जिंदगियां बदल जानी है और अब मालिनी के सामने सच आ चुका है कि आदित्य इमली से प्यार करता है और इमली भी उसी से प्यार करती है और इन दोनों की शादी भी हो रखी है। तो मालिनी अब आखिर क्या फैसला करेगी? क्या वो इनकी जिंदगी से चली जाएगी या फिर अपना हक आदित्य से मांगेगी? आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और कलेक्शन को सब्सक्राइब।